वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बेसिक से लेके एक प्रोफेशनल ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं डेली एक मतलब वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि डेली सीरीज एक मैं पूरी सीरीज ही बना रहा हूं कि हम एक बेसिक से प्रोफेशनल आर्ट मतलब आर्ट कैसे बना सकते हैं। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बनाते हैं वो मैं आपको इस पूरे सीरीज़ में सिखाऊँगा। तो डे वन से लेके मैं डे वन आज पहला दिन है तो मैं पहले दिन से आपको बताऊँगा कि हम डे पहले दिन में क्या ड्रॉ कर सकते हैं, फिर सेकंड डे में क्या ड्रॉ करेंगे। जो जैसे बिगनर्स जो अभी नए नए जिन्होंने ड्राइंग स्टार्ट करी है तो उनके क्वेश्चन रहते हैं कि हम पहले दिन क्या ड्रॉ करें, हम किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो आज मैं आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आप पहले दिन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब किस कहाँ से हम एक ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक तो आपको पता ही है, हर चीज़ की एक बेसिक होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ। क्योंकि जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिक मतलब वही बेस आपको बहुत मजबूत करना ज़रूरी है। जो आज मैं वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, बेसिक देखने में वो छोटी है, करने में बहुत छोटी है, पर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें जो आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डे वन में हम क्या बना सकते हैं। तो डे वन की वीडियो आज हम शुरू करते हैं अभी। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ कि आप एक आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है तो मेरे को ऐसा कुछ जवाब आया कि हम डॉट डॉट्स करके ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये एक तरह से मतलब गलत मेथड है, इसे ड्रॉ नहीं करना हमें। तो हमें आउटलाइन ड्रॉ करना है, कई बार ड्रॉ करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत बार, कम से कम 100 बार करनी है इसको डेली रूटीन में। आज भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो अपनी ड्रॉइंग शुरू से करने से पहले एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जैसे कि राइट से लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ एक आउटलाइन, तो ऐसे ही हमें अलग अलग जगह पे करना है, मल्टीपल्स टाइम करना है। और इसी तरह मुझे अब लेफ्ट से राइट की तरह ऐसे ले जाना है। देखिए कम से कम ये हमें 5 बार ज़रूर करना है, ये ऐसे ही मतलब दिन में 5 बार जब भी आप फ्री हो आप कर सकते हैं ऐसा। उसी की तरह हम दोबारा हम इस जैसे कि हमें ये ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना है ऐसे। उसी तरह हमें नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए, इसके लिए आप कोई महंगी सीट बिल्कुल यूज मत करना। दुकान पे आपको 15 से 20 रुपए की मिल जाती है, क्या ना ड्राइंग फाइल मिल जाती है, उसमें आपको ये सब करना है। नहीं तो प्रिंटिंग पेपर भी 2 रुपए के परचेस हो जाते हैं, दुकान में मिल जाते हैं, तो वो सब यूज़ करना है आपको। महंगी शीट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है सब चीज़ के लिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, हमें कम से कम डेली ये 5 पेज करने हैं ऑलमोस्ट। जब भी आपको टाइम मिले एक पेज पूरा करना ही है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। इसी में हम एक स्लांट लाइन भी बनाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्लांट लाइन, उसी स्लांट लाइन को हमें नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। इसी तरह हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऐसे मैंने कई बच्चों से पूछा आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कई बच्चे प्रकार का यूज़ करते हैं, कई बोतल कैप का, कई बच्चे इस तरह ही बना के इसका सर्कल यूज़ करते हैं। तो नहीं, ये भी तरीका में सही तो मतलब करने वाले करते हैं, पर एक ड्राइंग में हमें ऐसे नहीं करना। एक प्रोफेशनल ड्राइंग मतलब आर्टिस्ट कभी भी किसी का टूल का भी ज़्यादा Thank you.
जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम एक ड्राइंग का बेस क्या है और हम ड्राइंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक बिगिनर्स इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करेगा, कम से कम 2-3 पेज डेली रूटीन में आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको इसमें कोई महंगी पेज और महंगा पेंसिल यूज़ नहीं करना है। आपको दुकानों पर मिल जाएंगे, कम से कम सस्ते ड्राइंग फाइल्स मिल जाएंगे, आपको वो लेने हैं, उसमें प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो प्रिंटिंग पेपर भी आता है उसमें प्रैक्टिस करनी है। महंगी चीज़ यूज़ नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी आपने ड्राइंग स्टार्ट करी है, तो महंगी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।